जल्द ही बिहार में पंचायत की चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था के प्रति पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने के लिए बैठक की गई। डीएम महेंद्र कुमार ने बताया कि सुपौल जिला अंतर्गत पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराया जाएगा, मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पंचायत चुनाव में सभी जगहों पर पुलिस प्रशासन कार्यरत रहेंगे। बोगस वोटिंग करने वालों की खैर नहीं है, पकड़े जाने पर सीधे जेल की हवा खाएंगे। साथ ही यह भी बताया कि मतदान के दिन प्रखंड की सभी महत्वपूर्ण सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की असामाजिक तत्व मतदान के दिन माहौल ना बिगाड़े और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हो सके। वहीं एसपी मनोज कुमार ने बताया कि सुपौल जिला अंतर्गत जहां जहां चुनाव होना है वहां पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने के लिए सुरक्षा कर्मी अपने अपने जगहों पर कार्यरत रहेंगे। साथ ही असामाजिक तत्वों के लोगों पर पैनी नजर रहेगी। किसी प्रकार की असामाजिक तत्वों के लोगों द्वारा कुछ भी गलत करते नजर आए तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए कई सुरक्षा कर्मी प्रखंड अंतर्गत पेट्रोलिंग करते रहेंगे। ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 55, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 570 और ग्राम कचहरी पंच के लिए 238 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान केंद्र कुल 129 है, जिसमें 3 सहायक मतदान केंद्र है, 2 मॉडल मतदान केंद्र को चिन्हित किया गया है और 5 मतदान केंद्र पे मिश्रित दल, 4 महिला और 4 पुरुष और 2 महिला कार्यरत रहेंगे। इसके अलावा जो डेपुटेशन है पुलिस बल की और मैजिस्ट्रेट की, वो डेपुटेशन किया जा चुका है। प्रत्येक मतदान भवन पे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल उपलब्ध रहेंगे। पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी जो कि ईवीएम को लेकर के जाएगी और मतदान के उपरांत ईवीएम को वापिस लाकर जो मतगणना स्थल है जिले का बीएसएस कॉलेज वहाँ जमा करेगी, उसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है। प्रत्येक पंचायत में एक सेक्टर और एक क्लस्टर कार्यरत रहेगा, इसके ऊपर जोनल दंडाधिकारी रहेंगे, सुपर जोनल दंडाधिकारी रहेंगे। प्रखंड की सभी महत्वपूर्ण सीमाओं को बंद किया जाएगा ताकि बाहर से असामाजिक तत्व पूरे प्रखंड में नहीं प्रवेश कर सकें और वहाँ का जो माहौल है उसको खराब कर सकें। इसके अलावा जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। सभी मतदान केंद्रों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। मतगणना कर्मी आज ही, मतदान कर्मी सारे आज प्रखंड में ज्वाइन किए और वहां से वो डिस्पैच किए जा चुके हैं। पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टी कल ज्वाइन करेगी और कल ईवीएम के साथ वो अपने पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। इस बार बोगस वोटिंग रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था रखी गई है, जिसके तहत सभी मतदाताओं को सबसे पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मतदान कर पाएंगे। और अगर बोगस वोटिंग के कोई केसेस आते हैं तो तुरंत उनको प्राथमिकी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाएगा। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सुशासन की कार्रवाई, सीसीए की कार्रवाई बहुत बृहद पैमाने पर की गई है। कल सभी दंडाधिकारियों को, सभी नियुक्त पदाधिकारियों को मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक सुपौल के द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी और हमें विश्वास है कि हम लोग एक भयमुक्त वातावरण में फ्री फेयर और पीसफुल बोल प्रखंड में संपन्न तैयारी कर किस तरह से प्रशासन ये जिले के लिए पहला चरण है, राज्य के लिए दूसरा चरण है, जिसके लिए व्यापक तैयारी किया है सभी मतदान केंद्रों पर और सेक्टर में जितने भी रिक्वायर्ड बल होते हैं हमने प्रयुक्त किया है। पूरे प्रखंड को के सभी महत्वपूर्ण आवागमन के रास्तों को सील किया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलिंग की व्यवस्था रहेगी। विशेष रूप से बाइक पर सवार जो दस्ता है वो बहुत ही तेजी से घुमा करेगा ताकि किसी भी मतदाता को कोई समस्या नहीं हो। और जहाँ तक निष्पक्ष मतदान कराने की बात है, स्वच्छ मतदान कराने की बात है, निर्भय होकर के मतदान कराने की बात है, हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में गिरफ्तारियाँ की हैं, NBW का निष्पादन किया है, CCA की कार्रवाई की है, CCA 12 के तहत भी हम लोगों ने कार्रवाई की, इसलिए हम लोगों ने दो अपराधियों को टीम किया है। इस प्रकार हम लोगों ने समस्त कार्रवाई जो वांछित है चुनाव आयोग के अनुसार उसको पूर्ण किया है और वी आर डैम श्योर की बहुत ही शांतिपूर्ण
और बढ़िया मतदान होगा।